हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज हम वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉड्यूल के क्वेश्चंस। तो इनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फोर्स एफ ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्टेंस डी एज शोन इन द फिगर। द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर। तो देखिए, इस क्वेश्चन में ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया गया है। तो यहाँ पर हमको वर्क डन फाइंड करना है इसके 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए, जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर होगा। तो इसके लिए एफ वर्सेस टी में हम वर्क डन जो होगा, वर्क डन ये इक्वल टू होता है एरिया अंडर द कर्व, और एरिया जो होगा ये दो, ये रेक्टेंगल और ट्रेंगल बन रहा है, तो इस A1 प्लस A2 के इक्वल होगा। A1 की वैल्यू ये लेंथ इनटू विड्थ करेंगे, 2 × 4 प्लस A2 ट्रेंगल है 1/2 बेस, ये 7 से 12 हो जाएगा 5 × 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 2 होगा 8 + 5। तो जो वर्क डन की वैल्यू आएगी W, ये 13 जूल के इक्वल आएगी, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4। ए बॉल मूविंग विद वेलोसिटी 2 m/s कोलाइड्स हेड ऑन विद अनदर स्टेशनरी बॉल ऑफ डबल द मास। इफ द कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5, देन दियर वेलोसिटी इन m/s आफ्टर कोलिजन विल बी। देखिए, इसमें एक बॉल दी है जिसकी वेलोसिटी 2 m/s है, और दूसरी बॉडी उससे डबल मास की रेस्ट पे है। कोफिशियंट और रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0.5 दी है, तो वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या होगी वो हमको फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे, गिवन यहाँ पर m1 मास को हम m ले लेते हैं, और m2 सेकेंड बॉडी का मास 2m होगा, डबल है, और फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी ये v1 हमको दी है 2 m/s, और v2 सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी रेस्ट पे है तो 0 होगी। कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E की वैल्यू दी है 0.5। तो आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा डायग्राम लेते हैं। ये जस्ट बिफोर कोलिजन एक ये दो बॉडी हैं, ये 2m मास की और ये m मास की है, ये रेस्ट पे, इसकी वेलोसिटी 0 है और इसकी वेलोसिटी दी है 2 m/s। कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगी, तो ये इसकी हम वी डबल डैश ले लेते हैं और इसकी वी डैश मान लेते हैं। ये जस्ट आफ्टर कोलिजन है, ये 2m मास है और ये m मास। तो इसमें हम कोलिजन होगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे, तो ये m × इस डायरेक्शन को हम आई कैप मान लेते हैं, और ये सेकेंड बॉडी रेस्ट पे है तो उसके लिए मोमेंटम 0 हो जाएगा, और फिर कोलिजन के बाद m × v′ î प्लस 2m × v″ î होगा। तो यहाँ पर m कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 2 इज इक्वल टू यहाँ पर v′ प्लस 2v″, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें बाई कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, तो
इज इक्वल टू होता है वी रिलेटिव जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाई वी रिलेटिव जस्ट बिफोर कोलिजन। तो ये हो जाएगा वी डबल डैश माइनस वी डैश डिवाइडेड बाई टू, और ये वैल्यू है 0.5। इस टू को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाएगा वी डबल डैश माइनस वी डैश, तो ये हो जाएगा 1। तो ये दो इक्वेशन हो गई, अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड को, तो ये 1 और ये 2 हो जाएगा लेफ्ट साइड में 3, और यहां पर वी डैश कैंसिल हो जाएगा, ये 3 वी डबल डैश, तो यहां से वी डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। और ये वैल्यू वी डबल डैश की यहां पर हम पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में बाई इक्वेशन फर्स्ट, टू इज इक्वल टू वी डैश 2 × 1, तो यहां से वी डैश की वैल्यू हमको मिलेगी, ये 2 इधर ट्रांसफर करेंगे 0, तो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी 0 आई है और सेकेंड बॉडी की 2m मास के लिए वो आई है 1, तो इसका ऑप्शन होगा 0,1, तो ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम इज थ्रोन अपवर्ड विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इट मोमेंटरली कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग ए हाइट ऑफ 18 मीटर, हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में देखिए, एक बॉडी दी गई जिसका मास 1 किलोग्राम है और इसको 20 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड मूव थ्रो किया जाएगा, और ये 18 मीटर की हाइट पे रेस्ट पे आ जाएगी, तो कितनी एनर्जी एयर फ्रैक्शन के कारण लॉस होगी वो हमको फाइंड करना है। तो इसमें जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे, गिवन एम जो मास है वो 1 किलोग्राम दिया है और इनिशियल वेलोसिटी जो दी है वो 20 मीटर पर सेकेंड दी है। मैक्सिमम हाइट अटेन जो होगी h की वैल्यू 18 मीटर है, और हमको फाइंड करना है एनर्जी लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हम ये एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पर ये ए पॉइंट ले लेते हैं, इसको बी, और यहाँ पर इनिशियल बॉडी को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, ये 20 मीटर पर सेकेंड से 1 किलोग्राम की बॉडी थ्रो की जा रही है, 18 मीटर की हाइट पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, तो जो लॉस होगी एनर्जी वो हमको फाइंड करनी है, तो इसमें हम बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, इसको हम रेफरेंस ग्रेविटी ले लेते हैं, तो यहाँ पर यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल प्लस लॉस इन एनर्जी के होगा, लॉस इन एनर्जी। तो देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम की वैल्यू 1, वी की वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, फाइनल बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होगी, और ये होगी लॉस इन एनर्जी।
अब यहां पर इसका 20 का स्क्वायर करेंगे, 400 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 200, और ये 18 इंटू 10 होगा 180, इसको ट्रांसफर करेंगे ये आ जाएगा लॉस इन एनर्जी। तो यहां से लॉस इन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, ये 200 से 180 लेस करेंगे तो 20 जूल आएगी। ये वैल्यू हो जाएगी 20 जूल के इक्वल। तो जो लॉस इन एनर्जी आई है ये 20 जूल आई है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। If the kinetic energy is increased by 300%, the momentum will increase by। देखिए इस क्वेश्चन जो गिवन है, गिवन डेल्टा के का परसेंट दिया गया है, ये 300% दिया है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा उसका परसेंट दिया है 300, और जो फाइंड करना है डेल्टा पी परसेंट, ये हमको चेंज इन मोमेंटम यानी जो मोमेंटम इंक्रीज होगा उसका परसेंटेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम इसको सॉल्व करने के लिए इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को हम के मान लेते हैं। तो यहां से हम ये डेल्टा के परसेंट का फार्मूला लगाएंगे जब, तो ये हो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल इनटू 100, और इसकी वैल्यू दी गई है 300। ये डेल्टा के परसेंट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे जीरो, इस के इनिशियल को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू 3 के इनिशियल के होगा। तो यहां से के फाइनल की वैल्यू 4 के इनिशियल यानी 4K हो जाएगी। अब चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है तो डेल्टा पी के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये डेल्टा पी परसेंटेज, तो ये होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल इनटू 100। अब यहां पर पी फाइनल को हम लिखेंगे अंडर रूट 2m इंटू के फाइनल माइनस अंडर रूट 2m इंटू के इनिशियल अपॉन अंडर रूट 2m के इनिशियल इंटू 100। अब अंडर रूट 2m कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर ये बचेगा अंडर रूट में के फाइनल की वैल्यू 4k माइनस के इनिशियल की वैल्यू होगी के अपॉन अंडर रूट के इनटू 100। अब यहां पर अंडर रूट के को हम कैंसिल कर दें तो ये बचेगा यहां पर अंडर रूट 4 माइनस 1 इनटू 100, और 4 का रूट होगा 2, तो 2 माइनस 1 बचेगा 1, ये इनटू 100 होगा 2 माइनस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 100%। यानी जो चेंज इन मोमेंटम होगा डेल्टा पी परसेंट, ये वैल्यू आएगी 100% के इक्वल। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। If the kinetic energy of a body increases by 4%, the momentum, तो देखिए इस क्वेश्चन में जो kinetic energy है बॉडी की वो 4% इंक्रीज हो रही है, तो मोमेंटम कितना इंक्रीज होगा वो फाइंड करना है।
तो देखिए, जब स्मॉल चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी में फॉर स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो जो मोमेंटम में चेंज होगा, तो ये चेंज इन मोमेंटम तो डेल्टा पी परसेंट हमको फाइंड करना है, तो ये हाफ होता है 1/2 डेल्टा के परसेंट का, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/2 × 4%, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2% से इंक्रीज होगा। स्मॉल चेंज के केस में ये हम ट्रिक अप्लाई करते हैं, जो डेल्टा पी परसेंट होता है वो हाफ होता है डेल्टा के परसेंट का, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इंक्रीजेज बाय 2%, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। एन एक्सप्लोजन ब्लोज ए रॉक इनटू 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स गो ऑफ एट रैंडम टू ईच अदर, दीज टू आर 1 किलोग्राम फर्स्ट पार्ट मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एंड 2 किलोग्राम सेकेंड पार्ट मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। इफ द थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इट्स मास वुड बी। तो देखिए, इस क्वेश्चन में एक रॉक पीस दिया गया है जो 3 टुकड़ों में डिवाइड होगा एक्सप्लोजन के बाद। इसमें से 2 पार्ट इसके 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के परपेंडिकुलरली मूव करेंगे। 1 किलोग्राम की जो वेलोसिटी होगी वो 12 मीटर पर सेकेंड होगी और 2 किलोग्राम की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड होगी। जो तीसरा पार्ट होगा, इसका तीसरा पीस, वो 4 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा, लेकिन उसका मास कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये हम एक्सप्लोजन के पहले ये एम मास लेते हैं, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, इसको हम रेस्ट पे लेते हैं। जब ये एक्सप्लोड होगा तो ये 3 पीस में डिवाइड हो जाएगा, ये 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और ये एम डैश ले लेते हैं। इसकी वेलोसिटी दी गई है, 1 किलोग्राम की जो वेलोसिटी दी है ये 12 मीटर पर सेकेंड है, और ये 2 किलोग्राम का इसके परपेंडिकुलर मूव करेगा 8 मीटर पर सेकेंड से, और एम डैश की वेलोसिटी ये 4 मीटर पर सेकेंड है, ये जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन है। तो इसमें हम जब एक्सप्लोजन होगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये हो जाएगा P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, इनिशियल मोमेंटम 0 होगा, रेस्ट पे है, फाइनल जब हम लिखेंगे तो ये 1 × 12 i कैप होगा और 2 × 8 j कैप प्लस m′ × v होगा, और यहाँ पर इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो −12 i कैप 2 × 8 ये 16 हो जाएगा, तो −16 j कैप और ये m′ × v, दोनों साइड मोड लेंगे तो अंडर रूट 144 + 256, ये m′ × |v के होगा और ये वैल्यू हो जाएगी 400, और ये मोड ऑफ वेक्टर v थर्ड पार्ट की जो वेलोसिटी है ये 4 है, 400 का मॉड लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 20 = m′ × 4, तो यहां से हम 4 को 20 में डिवाइड करेंगे तो ये m′ = 20/4 = 5 किलोग्राम, तो जो थर्ड पार्ट आएगा, थर्ड पीस रॉक का, उसका मास हो जाएगा 5 किलोग्राम, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा।
ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग, द स्प्रिंग इज हंग फ्रॉम ए सीलिंग एंड हैज फोर्स कॉन्स्टेंट वैल्यू के, द मास इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच, द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग वुड विल बी। तो देखिए ये रेस्ट से कैपिटल एम मास का ये ब्लॉक रिलीज किया जा रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पर जीरो, और जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। और यहां पर हम इसको रेफरेंस ग्रेविटी ले लेंगे, तो यहाँ पर यू पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो इसमें जो गिवन है, गिवन जो मास दिया है ब्लॉक का ये कैपिटल एम दिया है, और स्प्रिंग कांस्टेंट ये के दिया है। तो इसमें हमको मैक्सिमम एक्सटेंशन डेल्टा एक्स फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर जब इसको हम रिलीज करेंगे तो इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसमें सारे ही कंजर्वेटिव फोर्स लगेंगे, स्प्रिंग फोर्स लगेगा और एमजी लगेगा। तो इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल के होगा। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी होगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, और यहाँ पर के फाइनल प्लस यू फाइनल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी एम जी इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि इस लाइन को हमने रेफरेंस लिया है, रेफरेंस ग्रेविटी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जीरो होगी, यहाँ पर स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर। इनिशियल नेचुरल लेंथ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स स्क्वायर में इसका ये एक पावर डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगी, टू को इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे और के को डिवाइड करेंगे, तो यहां से ये डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू एम जी डिवाइडेड बाई के। तो जो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा वो टू एम जी डिवाइडेड बाई के, यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एन इंजन पंप्स वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू ए होज, वाटर लीव्स द होज विद ए वेलोसिटी वी एंड एम इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर जेट, व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू वाटर। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको एक इंजन पंप है जो कि वाटर को कंटिन्यूअसली पंप कर रहा है, और जो वाटर की वेलोसिटी दी गई है वो वी है, और स्मॉल एम ये मास पर यूनिट लेंथ है वाटर के लिए। तो इसमें रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, तो जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है उसको हम लिखेंगे, गिवन यहाँ पर एम अपॉन एल की वैल्यू दी है, सॉरी कैपिटल एम अपॉन एल लिख देते हैं इसको, ये कैपिटल एम अपॉन एल इज इक्वल टू स्मॉल एम दिया, ये मास पर यूनिट लेंथ दिया है, और जो वेलोसिटी दी है ये वी दी है। फाइंड करना हमको डी के बाई डी टी। तो देखिए यहां पर हम पहले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर कैपिटल एम की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगी हाफ स्मॉल एम इंटू एल वी स्क्वायर के।
अब यहां पर इसका हम रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी डी के बाय डीटी निकालेंगे, तो ये हाफ स्मॉल एम कॉमन ले लेते हैं और वी स्क्वायर ये हो जाएगा डी वाई डी टी इंटू एल, और डी एल वाई डी टी को हम वी लिखेंगे तो ये हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वी, तो ये वैल्यू आ जाएगी डी के बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ एम वी क्यूब, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। ए बॉम्ब ऑफ मास एम इज इक्वल टू 1 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड यू इज इक्वल टू 100 m/s एक्सप्लोड्स इंटू 2 parts आफ्टर टी इज इक्वल टू 5 seconds। ए फ्रेगमेंट ऑफ मास 400 g मूव्स डाउनवर्ड विद ए स्पीड 25 m/s, देन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अनदर मास विल बी। देखिए इस क्वेश्चन में जो हमको गिवन है गिवन जो मास दिया गया है m इज इक्वल टू 1 kg दिया है और इसकी स्पीड u की वैल्यू 100 m/s दी गई है, तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे। ये इनिशियल वेलोसिटी u दी है 100 m/s, t इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पर t इज इक्वल टू 5 seconds पे ये एक्सप्लोड होगा 2 parts में, तो ये 400 g और 600 g में डिवाइड होगा, तो 400 g का ये डाउनवर्ड मूव करेगा 25 m/s से, ये अपवर्ड इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमको फाइंड करनी है। तो पहले t इज इक्वल टू 5 seconds पे वेलोसिटी निकालेंगे, तो इसमें हम काइनेमैटिक्स लगाएंगे, अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 100 m/s, a की वैल्यू -10 m/s² और t की वैल्यू 5 seconds, v निकालेंगे पहले, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 में वैल्यू पुट करेंगे, u की वैल्यू 100 माइनस 10 इंटू t की वैल्यू 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 50 m/s। अब इसमें एक्सप्लोजन होगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल के होगा, तो इनिशियल मोमेंटम पूरा मास जो है बॉडी का 1 kg का है, ये अपवर्ड मूव कर रहा है 50 m/s से, और फाइनल जो होगा 400 g का डाउनवर्ड मूव करेगा, तो 400 डिवाइडेड बाय 1000 t किलोग्राम में चेंज हो जाएगा और ये 25 m/s से डाउनवर्ड मूव करेगा माइनस जे कैप में, और ये 600 g का किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये हमको फाइंड करना है, तो इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 25, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 25 इंटू 400 होगा और 100 में हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो ये 50 जे कैप और ये 10 जे कैप इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा और ये 600 डिवाइडेड बाय 1000 वी, तो ये 60 होगा इनटू ये 1000 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 600 से डिवाइड करेंगे तो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे इसके और 6 से 6, तो v की वैल्यू आ जाएगी यहां से 100 जे कैप, तो
100 मीटर पर सेकंड वैल्यू आएगी अपवर्ड, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बॉम्ब ऑफ मास एम इज इक्वल टू 1 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड यू इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड एक्सप्लोड्स इन टू टू पार्ट्स आफ्टर टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ए फ्रेगमेंट ऑफ मास 400 ग्राम मूव्स डाउनवर्ड विद ए स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड देन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एनोदर मास विल बी। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक मास दिया गया है 1 kg का जो कि वर्टिकली अपवर्ड 100 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और ये 5 सेकेंड के बाद एक्सप्लोड होगा। ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक 400 ग्राम का होगा तो दूसरा बचा हुआ 600 ग्राम का होगा। जो 400 ग्राम का है ये वर्टिकली डाउनवर्ड 25 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा, तो 600 ग्राम का जो मास होगा वो किधर मूव करेगा, यानी एनादर मास के बारे में उसकी स्पीड बतानी है। तो देखिए जो इसमें गिवन है उसको हम लिखेंगे, गिवन जो मास दिया गया m इज इक्वल टू 1 kg के है और इसकी वेलोसिटी u जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड है अपवर्ड। तो इसका हम डायग्राम इधर बना लेते हैं, यहाँ पर ये 100 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी अपवर्ड दी है, ये t इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे इसकी ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये 400 ग्राम और ये 600 ग्राम। तो जो 400 ग्राम का है इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है 25 मीटर पर सेकेंड, जी डाउनवर्ड लगेगा, इसकी वेलोसिटी 600 ग्राम की है फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसमें ओ से इसको हम ए पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर ओ टू ए काइनामेटिक्स लगाएंगे, साइन कन्वेंशन ऊपर लेंगे, तो यहाँ पर u की वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड होगी, a की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड होगी और t की वैल्यू 5 सेकेंड है। v हमको फाइंड करना, तो इसमें इक्वेशन लगेगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, 100 माइनस 10 इंटू 5, तो ये 10 इंटू 5 50, 100 से 50 लेस करेंगे 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आएगी, ये t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे, अब बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो यहां पर ये p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल के होगा, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे इनिशियल जो मोमेंटम होगा यानी 1 kg की बॉडी अपवर्ड मूव करेगी, तो ये 1 इंटू वेलोसिटी इसकी आई थी 50 और ये j कैप हो जाएगा अपवर्ड। अब यहां पर एक्सप्लोजन के बाद जो 400 ग्राम का की बॉडी होगी ये डाउनवर्ड मूव करेगी, तो ये 400 ग्राम की बॉडी 25 मीटर पर सेकेंड से माइनस जे कैप में मूव करेगी और जो 600 ग्राम की है इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो देखिए ये 25 इंटू 4 इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 50 है, 50 जे कैप और ये माइनस का 10 जे कैप हो जाएगा, 25 इंटू 4 ये 10,000 में 1,000 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 10 जे कैप हो जाएगा और ये 6 / 10 तो ये हो जाएगा 60 जे कैप और यहाँ पर 10 से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें
एन टू टेन डिवाइडेड बाई सिक्स, तो ये वेक्टर वी आ गया यानी वेलोसिटी। तो वी की वेलोसिटी जो आ जाएगी सिक्स से इसमें डिवाइड करेंगे, टेन इंटू टेन हंड्रेड जे कैप। तो यहां से जो वेलोसिटी आएगी वी, ये 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगी, और डायरेक्शन प्लस जे कैप में आई है तो अपवर्ड होगी। तो 100 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो देखिए इस क्वेश्चन में जो ट्रू है, सही ऑप्शन है, वो हमें बताना है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल कोलिजन्स बट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व ओनली इन इन इलास्टिक कोलिजन। तो देखिए मोमेंटम सभी कोलिजन में कंजर्व होता है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो केवल इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व होती है, इन इलास्टिक में नहीं होती है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। नाइदर मोमेंटम नॉर काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व इन इन इलास्टिक कोलिजन। तो मोमेंटम कंजर्व होता है इन इलास्टिक कोलिजन में, तो ये भी गलत होगा। मोमेंटम इज कंजर्व इन ऑल कोलिजन, तो मोमेंटम सभी कोलिजन में कंजर्व होता है बट नॉट काइनेटिक एनर्जी, यानी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सभी में कंजर्व नहीं होती है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व इन ऑल कोलिजन, तो ये भी गलत है फोर्थ, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो केवल इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व होती है, इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं होती है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ए मास ऑफ 20 किलोग्राम मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड अनदर स्टेशनरी मास ऑफ 5 किलोग्राम एज ए रिजल्ट ऑफ द कोलिजन्स द टू मासेस स्टिक टूगेदर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंपोजिट मास विल बी। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हम लिखेंगे। गिवन दो मास दिए हैं, तो M1 हम इसको 20 किलोग्राम ले लेते हैं, दूसरा मास M2 5 किलोग्राम। जो वेलोसिटी है फर्स्ट मास की ये V1 होगी, ये 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल जब ये दोनों स्टिक कर जाएंगे तो उसके लिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमको फाइंड करनी है। तो देखिए इन दोनों के बीच में जब कोलिजन होगा तो मोमेंटम कंजर्व होगा, तो इसमें हम बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लेंगे। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल के होगा, M इंटू V। देखिए यहां पर ये हम दो बॉडी ले लेते हैं, दूसरी बॉडी रेस्ट पे है, तो ये हमने दो बॉडी ली, ये 20 kg की है और ये 5 kg की। इसकी वेलोसिटी दी है, ये वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी बॉडी ये रेस्ट पे है। कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी निकालनी है, तो इस ये V1 लिए थे, तो इसको हम V' और V" ले लेते हैं, ये 20 kg और ये 5 kg। तो ये कोलिजन के पहले है, जस्ट बिफोर कोलिजन, और ये जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो यहां पर P इनिशियल जब लिखेंगे तो 20 × 10 आई कैप होगा, इनिशियल 5 kg की बॉडी रेस्ट पे है तो वो 0 हो जाएगा। फाइनल लिखेंगे तो ये देखिए दोनों बॉडी एक साथ स्टिक कर रही हैं, तो ये एक साथ आएंगे 20 और 5, तो 25 हो जाएगा। और ये वेलोसिटी हम पहले फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर 200 में 25 से डिवाइड करेंगे तो V की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे हाफ MV²
हाफ एम की वैल्यू 25, वी की वैल्यू है 8 का स्क्वायर, तो 25 इंटू 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई 2, तो 25 इंटू 32 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 800 जूल के इक्वल, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकंड। तो जो काइनेटिक एनर्जी आई है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये 800 जूल आई है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ए मास ऑफ 20 किलोग्राम मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी मास ऑफ 5 किलोग्राम एज ए रिजल्ट ऑफ द कोलिजन द टू मासेस स्टिक टुगेदर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंपोजिट मास। तो इसमें जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे। एक मास दिया गया है जिसकी वैल्यू 20 किलोग्राम है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। दूसरी स्टेशनरी बॉडी स्टेशनरी मास 5 किलोग्राम से टकराएगा और ये दोनों एक साथ मूव करेंगे, स्टिक कर जाएंगे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमको बतानी है। तो जो गिवन है, गिवन ये m1 इज इक्वल टू 20 किलोग्राम और m2 की वैल्यू 5 किलोग्राम है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी ये v1 जो है ये आपकी 20 किलो सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो इसमें हम इधर ये डायग्राम ले लेते हैं छोटा सा। देखिए ये दो बॉडी हैं, ये 20 kg की है और ये 5 kg, ये रेस्ट पे है और इसकी वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकंड। ये जस्ट बिफोर कोलिजन है, कोलिजन के पहले, कोलिजन के बाद दोनों एक साथ चिपक जाएंगी, तो 25 kg हो जाएगी जस्ट आफ्टर कोलिजन है। तो यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, इनिशियल होगा 20 इंटू 10, इसको हम आई कैप ले लेते हैं। दूसरी बॉडी रेस्ट पे 0 हो जाएगा और फाइनल ये 25 मास है और इसकी वेलोसिटी हमको बतानी है। इसको डिवाइड करेंगे तो वी इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 25, 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हाफ एम की वैल्यू 25, वी की वैल्यू 8 स्क्वायर, तो ये 8 का स्क्वायर 64 होगा, 64 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आएगी 32। और इसको हम सॉल्व करेंगे, 25 का 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 800 जूल के इक्वल, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सेकेंड। द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन टेकिंग 10 किलोग्राम मास एट 1 मीटर हाइट इन 1 सेकेंड विल बी। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक 10 किलोग्राम की बॉडी है जिसको ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कराएंगे 1 मीटर हाइट तक 1 सेकेंड में, तो कितना वर्क डन करना है वो हमें फाइंड करना है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो W इज इक्वल टू वर्क डन का फार्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की हो जाएगा डेल्टा U के, और डेल्टा U की वैल्यू ये MgH के इक्वल होगी, M की वैल्यू 10, G की वैल्यू 9.8 और हाइट 1 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे
जो वर्क डन की वैल्यू आएगी W, ये हो जाएगा 98 जूल के इक्वल। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट बाय 10 मीटर। इफ वर्क डन इज 50 जूल देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेक एन एंगल विद डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक 10 न्यूटन का फोर्स दिया गया है, ये फोर्स बॉडी को 10 मीटर डिस्प्लेस करेगा और जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यू 50 जूल है। तो जो फोर्स और डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो हमको बताना है इसमें। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, गिवन एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन के दिया गया है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर है और वर्क डन W की वैल्यू 50 जूल। थीटा एंगल जो होगा वो हमें फाइंड करना है। तो जो वर्क डन का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू होता है एफ डी कॉस थीटा। तो W की वैल्यू 50 जूल है, एफ 10 न्यूटन, डी की वैल्यू 10 और ये हो जाएगा कॉस थीटा। डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाय 100, ये वैल्यू होगी 1/2 और 1/2 जो वैल्यू होती है कॉस में, कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से जो एंगल बनेगा थीटा इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड। ए बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम मूविंग विद ए वेलोसिटी 10 मीटर सेकेंड कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ द मास 20 किलोग्राम एट रेस्ट एंड कम्स टू रेस्ट। वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी ड्यू टू द कोलिजन इज। तो देखिए एक बॉडी है 5 किलोग्राम की जो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, 20 किलोग्राम की बॉडी से कोलाइड करेगी जो कि रेस्ट पे है, और जब कोलिजन होगा उसके बाद 5 किलोग्राम की बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। तो सेकेंड बॉडी यानी जो 20 किलोग्राम की, उसकी वेलोसिटी हमें बतानी है इसमें। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे, गिवन ये फर्स्ट बॉडी का मास हम m1 लिख लेते हैं, m1 की वैल्यू 5 किलोग्राम है और इसकी वेलोसिटी v1 10 मीटर पर सेकेंड है। सेकेंड बॉडी m2, इसका मास 20 किलोग्राम है और इनिशियल इसकी वेलोसिटी जो v2 है वो रेस्ट पे है, तो 0 होगी। कोलिजन के बाद सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी हमें बतानी है, तो यहाँ पर ये हम छोटा सा डायग्राम लेते हैं। ये दो बॉडी हैं m1 और m2, ये 5 kg की है और ये दूसरी बॉडी 20 kg की है। 20 kg की बॉडी रेस्ट पे है और इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। कोलिजन के बाद जो 5 kg की बॉडी है ये रेस्ट पे आ जाएगी और 20 kg की बॉडी की वेलोसिटी हमको बतानी है। ये जस्ट बिफोर कोलिजन है, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल के होगा। पी इनिशियल की वैल्यू होगी 5 × 10 आई कैप और दूसरी बॉडी रेस्ट पे है तो 0 हो जाएगा, और कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी, दूसरी बॉडी ये मूव करेगी 20 किलोग्राम है, इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो ये 50 में हम डिवाइड करेंगे
20 से ये वेलोसिटी आ जाएगी, तो ये वेलोसिटी जो आएगी कोलिजन के बाद सेकेंड बॉडी की, ये 2.5 मीटर पर सेकेंड ये आई कैप में आएगी, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू, द लीनियर मोमेंटम विल बी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी की 4 टाइम हो रही है इनिशियल वैल्यू की, तो नया लीनियर मोमेंटम कितना होगा वो बताना है। तो यहाँ पर हम जो गिवन है उसको लिखेंगे, गिवन के इनिशियल को हम के मान लेते हैं और फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको इसका 4 टाइम कर देते हैं। पी इनिशियल ये पी होगा, पी फाइनल कितना होगा वो हमें बताना है। तो देखिए जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है, पी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए ये पी इनिशियल लिखेंगे इसको हम पी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2m इंटू के। अब फाइनल जब मोमेंटम लिखेंगे तो ये होगा अंडर रूट 2m के फाइनल लिखेंगे, इसकी जगह हो जाएगा ये 4k, 4 का रूट होता है 2, तो ये वैल्यू आएगी। अब देखिए ये फाइनल मोमेंटम जो है वो इनिशियल मोमेंटम का 2 गुना है, तो यहां से ये पी फाइनल जो होगा ये 2 into p इनिशियल यानी 2p के होगा, तो 2 गुना हो जाएगा, ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वाटर इज फॉलिंग ऑन द ब्लेड्स ऑफ ए टर्बाइन एट ए रेट ऑफ 100 किलोग्राम पर सेकेंड फ्रॉम सर्टेन स्प्रिंग। इफ द हाइट ऑफ द स्प्रिंग बी 100 मीटर, द पावर ट्रांसफर्ड टू द टर्बाइन विल बी। तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यू गिवेन है उसको हम लिखेंगे, ये गिवेन है डी एम अपॉन डी टी, जो रेट है मास जिस रेट से फ्लो कर रहा है वाटर ये 100 किलोग्राम पर सेकेंड है। जो हाइट दी गई स्प्रिंग की एच की वैल्यू 100 मीटर है और यहाँ पर जी को हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। पावर जो ट्रांसफर होगा वो हमको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर वाटर फॉल कर रहा है, तो यहाँ पर पावर इज इक्वल टू डीएम बाई डी टी के मास नहीं डीएम बाई डी टी दिया है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे डी एम अपॉन डी टी इंटू एच इंटू जी के इक्वल एम जी एच अपॉन टाइम करेंगे, तो ये डीएम अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो डीएम अपॉन डी टी की वैल्यू ये 100, एच की वैल्यू ये भी 100 है और जी की वैल्यू 10, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1000 हो जाएगा किलोवाट, तो ये वैल्यू आ जाएगी 100 किलोवाट के इक्वल जो पावर ट्रांसफर होगी, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, व्हाट इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए इसमें जो वैल्यू हमको गिवन है, 2 kg का मास दिया है, 20 मीटर की हाइट से फॉल करेगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस होगा वो फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे, गिवन एम इज इक्वल टू 2 किलोग्राम और जो हाइट है एच इज इक्वल टू 20 मीटर, जी की वैल्यू हम लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा ये एम जी एच के इक्वल होगा और यहाँ पर एम की वैल्यू है 2, जी की वैल्यू है 10,
और h की वैल्यू 20, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 400 जूल के इक्वल, जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। एक कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक व्हेन कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 0। तो जब कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 होती है, तो उस कंडीशन में जो कोलिजन होता है उसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। परफेक्टली इलास्टिक के लिए कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ए मास ऑफ 0.5 किलोग्राम मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस कोलाइड्स विद ए नियरली वेटलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग वुड बी। तो देखिए यहाँ पर एक बॉडी है, ये 0.5 के जी इसका मास है और इसकी वेलोसिटी ये 1.5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, स्मूथ सरफेस से मूव कर रही है, और ये वेटलेस स्प्रिंग से टकराएगी। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू दी है 50 न्यूटन पर मीटर। मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड करना है, तो मैक्सिमम जब कंप्रेशन होगा तो इस बॉडी की वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो यहां पर हम जो वैल्यू गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन m इज इक्वल टू दिया है 0.5 किलोग्राम और ये वेलोसिटी v दी है 1.5 मीटर पर सेकेंड और k कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है 50 न्यूटन पर मीटर। तो यहां पर इसमें हम बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, इसको हम रेफरेंस ग्रेविटी लेते हैं। तो यहाँ पर यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, ये इनिशियल पोजीशन पे के इनिशियल प्लस यू इनिशियल लिखेंगे और ये के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो यहाँ पर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ एम की वैल्यू 0.5 और v की वैल्यू 1.5 स्क्वायर। इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, फाइनल बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ k की वैल्यू 50 और ये डेल्टा x का स्क्वायर। तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0.5 इंटू 1.5 का स्क्वायर करेंगे 2.25 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 50। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर इसके रूट वैल्यू लिखेंगे तो ये यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 5 का इसमें डिवाइड करेंगे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा एक्स जब निकालेंगे तो ये 2.25 की रूट वैल्यू आएगी 1.5 और 100 की 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एक्स की 0.15 मीटर। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ, 0.15 मीटर। ए बॉम्ब ऑफ मास 3 केजी एक्सप्लोड्स इन एयर इनटू 2 पीसेस ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम द स्मॉलर मास गोज एट ए स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड द टोटल एनर्जी इम्पार्टेड टू द 2 फ्रेगमेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक बॉम्ब दिया गया है जिसका मास 3 किलोग्राम है, ये एयर में 2 पीस में टूटेगा 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम।
तो स्मालर जो पीस होगा उसकी स्पीड दी है 80 मीटर पर सेकेंड, तो जो टोटल एनर्जी जनरेट होगी इन दोनों बॉडी यानी 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम के पास जो टोटल एनर्जी होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो इसमें जो वैल्यू, जब एक्सप्लोजन होगा तो मोमेंटम कंजर्व होगा, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन ये m इज इक्वल टू 3 किलोग्राम है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, m1 2 किलोग्राम और m2 1 किलोग्राम। v1 जो वेलोसिटी होगी ये 80 मीटर पर सेकेंड है, तो v2 पहले फाइंड करनी पड़ेगी और फिर फाइनल एनर्जी निकालेंगे। तो पहले एक्सप्लोजन होगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल के होगा। इनिशियल बॉडी को हम रेस्ट पे लेंगे तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा, और जब एक्सप्लोजन होगा तो ये स्मॉलर मास की वेलोसिटी 1 × 80, इसको हम आई कैप मान लेते हैं, ये बॉडी एक्सप्लोड होके इस तरह से आई कैप में जाएगी 1 किलोग्राम की, तो 2 किलोग्राम की किधर जाएगी ये हमको फाइंड करना होगा। ये 2 किलोग्राम है, तो यहाँ पर 2 × V हम लिख देते हैं, इसको ट्रांसफर करेंगे तो -80 / 2 इज इक्वल टू, ये V की वैल्यू -40 आई कैप, यानी जो स्पीड आएगी दूसरी बॉडी की, ये V2 ले लेते हैं इसको, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। अब एनर्जी निकालेंगे तो फाइनल एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी, ये हाफ m1 यानी 1 × 80² प्लस हाफ m2 की वैल्यू 2 × 40² तो ये 80 का स्क्वायर करेंगे 6400 हो जाएगा। ये 6400, अरे भाई इतनी मेहनत। ए बॉम्ब ऑफ मास 30 किलोग्राम एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू टू पीसेस ऑफ मास 18 किलोग्राम एंड 12 किलोग्राम। द वेलोसिटी ऑफ 18 किलोग्राम मास इज 6 मीटर पर सेकेंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास इज। देखिए इसमें जो गिवन है इसको हम लिखेंगे, ये गिवन है, गिवन ये m इज इक्वल टू 30 किलोग्राम मास दिया गया है, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, m1 18 किलोग्राम और m2 12 किलोग्राम। 18 किलोग्राम की वेलोसिटी जो है इसको हम v1 ले लेते हैं, v1 की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड है और सेकेंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी यानी k2 फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम ये छोटा सा डायग्राम लेते हैं, देखिए ये एक्सप्लोजन के पहले है, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन ये बॉडी दी है 30 किलोग्राम की, इसका मास है 30 किलोग्राम, ये टूटेगी दो पार्ट में, ये 18 किलोग्राम है और ये 12 किलोग्राम जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। तो इसकी वेलोसिटी ये 6 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे बाय
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल के होगा, इनिशियल मोमेंटम जीरो है, रेस्ट पे है, और फाइनल होगा। अब इसकी डायरेक्शन जो मैंने ली है माइनस में ले ली है, तो ये 18 इंटू 6, इसको माइनस आई कैप लिख देते हैं, प्लस 12, इसको वी हमें पहले फाइंड करना होगा, तो इसको ट्रांसफर करेंगे 18 इंटू 6 आई कैप, ये हो जाएगा 12, ये वी हमको फाइंड करना है, तो ये वी की वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 2 से डिवाइड करेंगे 18 में, तो 9 आई कैप यानी 9 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आएगी। काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे सेकेंड की, तो हाफ एम सेकेंड का 12 और इसकी वेलोसिटी है 9 का स्क्वायर, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 6 इंटू 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी 486 इक्वल, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 486 जूल। ए फोर्स एफ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्टेंस एक्स आइज शोन हेयर। द फोर्स इन न्यूटन एंड एक्स इन मीटर। द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट एक्स इज इक्वल टू 0 to 6। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है, तो इस डायग्राम के लिए हमको वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व होता है। ये वर्क डन इज इक्वल टू होता है एरिया अंडर द कर्व, और यहां पर दो एरिया हैं, तो एक तो रेक्टेंगल बनेगा, तो ये 3 × 3 हो जाएगा, a1 + a2 करेंगे, दो एक ये रेक्टेंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा a1 और ये a2। तो a1 की जो वैल्यू होगी ये लेंथ इंटू वेथ 3 × 3 करेंगे, प्लस 1/2, यहाँ पर बेस लेंगे 3 और ये हाइट होगी 3, तो ये 9 + 9 में डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 4.5, और इसको ऐड करेंगे तो 13.5 जूल ये वर्क डन की वैल्यू आएगी। 13.5 जूल का मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। टू बॉडीज ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, देन द रेशियो ऑफ दियर मोमेंटम। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है, ये गिवन m1 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम और m2 जो है ये 4 किलोग्राम के है, इनकी काइनेटिक एनर्जी दोनों के इक्वल हैं, इसको हम k लिख लेते हैं, तो जो मोमेंटम का रेशियो है p1, ये मोमेंटम का रेशियो यहाँ पर फाइंड करना है, p1 और p2 का रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए जो मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी के होता है, तो p1 / p2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2m1 इंटू काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m2, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 2 की लिखेंगे। वैल्यू पुट करते हैं तो अंडर रूट 2m1 की वैल्यू 1 और काइनेटिक एनर्जी k है,
और m2 सेकेंड के लिए लिखेंगे तो ये 4 है, और काइनेटिक एनर्जी सेम है तो ये k से k कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, तो अंडर रूट के अंदर 1/4 आएगा, तो p1 अपॉन p2 की वैल्यू 1/2 आ गई। तो यहां से जो इसका रेशियो आएगा ये हो जाएगा 1:2, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सेकेंड। 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग ए 2 किलोग्राम ब्लॉक अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर टेकिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज, तो देखिए इस क्वेश्चन में जो हमको दिया गया है वर्क डन जो है वो 300 जूल के इक्वल दिया है। 2 किलोग्राम के बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पे 10 मीटर हाइट तक मूव कराया जाएगा, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर ये हम डायग्राम लेते हैं, ये हाइट 10 मीटर है, ये ब्लॉक इस पे मूव करेगा, 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, और जो वर्क होगा W 10 मीटर हाइट तक, ये A से B के लिए जो वर्क डन होगा गिवन W की वैल्यू 300 जूल है, M की वैल्यू 2 किलोग्राम, H हाइट 10 मीटर, और इसको इस पे मूव करा रहे हैं तो वेलोसिटी में चेंज नहीं दिया है तो स्लोली मूव करेगी, यानी डेल्टा के की वैल्यू 0 होगी। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालना है, माइनस डब्ल्यू एफ के। तो यहां पर देखिए हम इसमें डब्ल्यू एजेंट इज इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे डेल्टा के प्लस डेल्टा यू और प्लस माइनस डब्ल्यू एफ के फाइंड करना है। तो डब्ल्यू एजेंट जो वर्क डन बाय एजेंट है ये 300 जूल है, डेल्टा के 0 होगा, डेल्टा यू की वैल्यू एम जी एच होगी, 2 इंटू जी की वैल्यू 10 और एच हाइट ये 10 मीटर है, और ये माइनस डब्ल्यू एफ के फाइंड करना है। इसको ट्रांसफर करेंगे 300 माइनस 200, वर्क डन के फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन फाइंड करना है, नहीं माइनस डब्ल्यू एफ के, तो ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आ जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन ये 100 जूल के इक्वल आएगा, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। फॉर इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू स्फेरिकल रिजिड बॉडी द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, तो देखिए इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, फर्स्ट इनकरेक्ट होगा। द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड, द लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, तो ये तीनों गलत होंगे। जो लीनियर मोमेंटम होता है वो इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व होता है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए। टू आइडेंटिकल बॉल्स, वन मूव्स विद 12 मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड इज एट रेस्ट, राइट्स इलास्टिकली आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट बॉल विल बी। तो देखिए इस क्वेश्चन में दो आइडेंटिकल यानी सेम मास की बॉडी दी गई है, ये एम एम मास है, फर्स्ट बॉडी 12 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, सेकेंड रेस्ट पे है। कोलिजन के बाद अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जब होता है तो ये वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, तो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी
सेकेंड के पास पास आ जाएगी, ये 12 मीटर पर सेकेंड मूव करेगी और फर्स्ट रेस्ट पे आ जाएगी। तो आफ्टर कोलिजन यहाँ पर हमको वेलोसिटी सेकेंड एंड फर्स्ट बतानी, तो सेकेंड की है 12 मीटर पर सेकेंड और फर्स्ट रेस्ट पे आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकेंड की होगी 12 मीटर पर सेकेंड और फर्स्ट रेस्ट पे आ जाएगी, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। टू आइडेंटिकल बॉल्स, वन मूव्स विद 12 मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड इज एट रेस्ट, राइट्स इलास्टिकली आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट बॉल विल बी। तो देखिए इस क्वेश्चन में दो आइडेंटिकल यानी सेम मास की बॉडी दी गई है, ये एम मास है, फर्स्ट बॉडी 12 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, सेकेंड रेस्ट पे है। कोलिजन के बाद अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जब होता है तो ये वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, तो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी सेकेंड के बाद पास आ जाएगी, ये 12 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी और फर्स्ट रेस्ट पे आ जाएगी। तो आफ्टर कोलिजन यहाँ पर हमको वेलोसिटी सेकेंड एंड फर्स्ट बतानी, तो सेकेंड की है 12 मीटर पर सेकेंड और फर्स्ट रेस्ट पे आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड होगी, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकेंड की होगी 12 मीटर पर सेकेंड और फर्स्ट रेस्ट पे आ जाएगी, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इन स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग बाय 2 सेंटीमीटर एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन बाय यू, देन स्ट्रेचिंग बाय 10 सेंटीमीटर एनर्जी स्टोर्ड विल बी। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो गिवन है, गिवन यू इज इक्वल टू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर की जगह ये 2 पुट करेंगे, ये यू है। अब जब एक्स फाइनल ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के इक्वल, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड करनी है। तो सर यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये यू इज इक्वल टू इनिशियल दिया हाफ के इंटू 2 स्क्वायर, फाइनल यू निकालना है तो हाफ के ये 10 का स्क्वायर करेंगे, एक्स फाइनल 10 है तो ये हाफ के 10 का स्क्वायर होगा 100, और ये हो जाएगा 2 से इसमें डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 2 के इक्वल है यू इनिशियल, और यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे 2 को 100 में तो ये 50 हो जाएगा, तो 50 के इक्वल है, यानी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इनिशियल की 25 टाइम, यानी यू फाइनल जो होगा वो 25 U के इक्वल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा 25 U, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। इन स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग बाय 2 सेंटीमीटर एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन बाय यू, देन स्ट्रेचिंग बाय 10 सेंटीमीटर एनर्जी स्टोर्ड विल बी। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो गिवन है, गिवन यू इज इक्वल टू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर की जगह ये 2 पुट करेंगे, ये यू है। अब जब एक्स फाइनल ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के इक्वल, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड करनी है। तो सर यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये यू इज इक्वल टू इनिशियल दिया हाफ के इंटू 2 स्क्वायर, फाइनल यू निकालना है तो हाफ के ये 10 का स्क्वायर करेंगे, एक्स फाइनल 10 है तो ये हाफ के 10 का स्क्वायर होगा 100, और ये हो जाएगा 2 से इसमें डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 2 के इक्वल है यू इनिशियल, और यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे 2 को 100 में तो ये 50 हो जाएगा, तो 50 के इक्वल है, यानी जो फाइनल
पोटेंशियल एनर्जी है वो इनिशियल की 25 टाइम, यानी यू फाइनल जो होगा वो 25 U के इक्वल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा 25 U, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा।